आ जाओ। हेलो एवरीवन, मेरे तीसरे दिन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर के सब लोग निकल चुके थे, तो मैंने सोचा दो दिन से पूजा लेट हो रही थी तो मुझे लगा आज भी पूजा लेट होगी। तो इनके जाने के बाद फिर मैं भी चली गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि आज साईं बाबा को स्थापित किया जाएगा। हर बार की तरह पूजा लेट हो रही थी, लेकिन मुझे लगा आज भी लेट होगी। और मैं जब तक आई तब तक मंदिर में मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था। हालांकि दो दिन से मैं पंडित जी से पहले ही आ जा रही थी, लेकिन इस बार लेट हो गई। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। और ये हमारे साईं बाबा जी है जिनको अभी तैयार करना बाकी है, और बाकी की मूर्तियों को भी यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और अब बारी हमारे गणपति बप्पा जी की, और अब ये लीजिए हमारे गणपति बप्पा जी भी स्थापित हो गए। और ये बाहर गांव से आए हुए हैं सन्यासी बाबा, इन्हीं के हाथों आखिरी दिन की आज पूजा होगी। सबसे पहले उन्होंने कलश की पूजा की, कलश की पूजा होते ही उन्होंने एंट्री गेट की पूजा की। एंट्री गेट की पूजा होते ही उन्होंने फिर गणपति बप्पा की पूजा की, सभी जगह की पूजा की, यहाँ तक कि मंदिर की सीढ़ियों पर भी तिलक लगा करके पूजा किया गया। सभी जगह की पूजा होने के बाद पंडित जी साईं बाबा के पास गए, क्योंकि वहाँ पर औरतों को अलाउड नहीं था। और अंदर साईं बाबा को तैयार किया जाएगा, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाया जाएगा। जब तक पंडित जी साईं बाबा को तैयार कर रहे थे तब तक यहाँ पर यज्ञ चल रहा था। और अब हमारे साईं बाबा जी तैयार हो गए हैं, और पूजा होने के बाद फिर साईं बाबा का सभी को मुख दर्शन कराया गया। और साईं बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करे। ओम साईनाथ। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद इन सभी कपल से भजन पे ही गरबा करवाया गया। वैसे इस पूजा में मैं और मेरे हस्बैंड बैठने वाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी यहाँ है नहीं, तो हमारी जगह पर मेरे आई बाबा को बैठना पड़ा। सभी कपल ने बहुत ही अच्छे से गरबा खेला, बहुत ही एंजॉय किया। उसके बाद फिर आरती शुरू हुई। आरती होने के बाद सभी लोगों ने अपने अपने घरों से नारियल लेकर के हवन में डाला, और बोलते हैं हवन में डालने से शुभ माना जाता है। और ये कार्य सभी गांव वालों ने किया, और पांच हवन थे, पांचों हवन में बहुत ही सारे नारियल डाले गए थे। और दो दिन से पूजा शाम के 7 बजे ही खत्म हो जा रही थी, लास्ट दिन था तो 1 बजे तक कंप्लीट कर दिया पूरा पूजा। हवन में नारियल डालने के बाद सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर का प्रसाद हमें केले के पत्तों में खिलाया गया, और प्रसाद बहुत ही अच्छा बना था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।